शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन और सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं। चर्चाओं का दौर यहाँ पर चालू है, विषयों पे विषय लेकर हम लोग आपसे बात करते जा रहे हैं। अभी जो इस वक्त का जो विषय है वो ये है कि पतंजलि ने कोरोना के ऊपर में एक दवा बनने का दावा किया है। ये जो दावा है ये कितना सच और कितना झूठ, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि और इस पर अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि इस पर जो भारत की जो एक संस्था है ICMR, उसने सीधा सीधा इस पर बैन लगा दिया है। अब तक इस पर कोई दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने की और इसकी पब्लिसिटी पर भी जो है बैन लगाया गया है। क्या है इसकी सच्चाई, इस पर चर्चा करने के लिए आज इस पैनल में जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं डॉक्टर माफ कीजिएगा श्री रामकृष्ण ओझा जी का। रामकृष्ण ओझा जी, आपका आपका स्वागत है। रामकृष्ण ओझा जी जो है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस है। उसी प्रकार हमारे साथ में है डॉक्टर अविनाश चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है मुंबई से डॉक्टर विलास लद्दड़ जी। विलास जी, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ में न्यूज पैनलिस्ट है डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं आलोक जी। और चंदू सोजातिया जी अमरावती से हैं, सिटी न्यूज के सर्वे सर्वा। आइए, ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम सीधा चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं सीधा रामकृष्ण ओझा जी के पास में आता हूं। रामकृष्ण ओझा जी, आप इसको किस तरह से लेते, क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने आज पुलिस में कंप्लेंट की है इस विषय को लेकर। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसमें? हम लोगों ने रामदेव बाबा के जो प्रोडक्ट को जिसको लॉन्च किया उन्होंने कल, उसके ऊपर पुलिस में तकरार की है जी। हमारा ये कहना है इसमें कि जो वक्तव्य उन्होंने कल लॉन्चिंग के समय दिया कि ये दवाई 100% क्योर करने वाली दवा है, 100% का दावा किया गया है, 100% का दावा किया है, और उसके अंदर में उन्होंने कुछ परसेंटेज बताया कि 3 दिन के अंदर इतनी दवा, जो सैंपल उन्होंने किए जिन लोगों पे उन्होंने दवा को इस्तेमाल किया था, उसमें 69% लोग जो है वो 3 दिन में क्योर हुए, बाकी 7 दिन में क्योर ऐसा होता है। हमारा उसमें एक ही सवाल है कि देखो, दवाई तो टेक्निकल बातें हैं, ये तो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, बताएंगे आप। मेरा इसमें एक ही कहना है कि इन्होंने जिन लोगों के ऊपर में सैंपल टेस्टिंग किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये महामारी पूरे विश्व की महामारी है जी, इस पूरी तरह जूझ रहा है, लोगों में एक अलग तरह का वातावरण तैयार हुआ पिछले 3 महीने में, आज उसमें एडजस्ट करने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकल कर अनलॉकडाउन में आ रहे हैं, और इस बोर्ड के ऊपर में अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और एक रामदेव बाबा अपने आप में एक और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर रखते हैं है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अध्यादेश निकाला हुआ है कि इसका इलाज दूसरी कोई भी संस्था नहीं करेगी, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ शासकीय अस्पताल और गवर्नमेंट की एजेंसियां इसका इलाज करेगी जी, और उसके पैरामीटर भी रखे हैं कि क्वारंटाइन करना है उनको, अगर पॉजिटिव है तो उसको हॉस्पिटल में रहना है, उसका इलाज उनके नॉर्म्स के हिसाब से करना है, WHO के नॉर्म्स है। तो हमारा सवाल ऐसा है कि जिस तरह से रामदेव बाबा ने कहा कि भी उन्होंने जिन पेशेंट के ऊपर में इसका ट्रायल किया है जी, तो ये किस अथॉरिटी ने उनको, किस अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की, किस स्टेट की सरकार ने उनको इसमें सहयोग किया, कौन सी सरकारों ने इनके, किस अस्पताल ने इनका सैंपल अप्रूव करके, पेशेंट सैंपल क्या थे, पेशेंट सैंपल कैसे प्रोवाइड किए गए, आप पूछना चाहते हैं? हाँ, कैसे प्रोवाइड किए, उसका गवर्नमेंट में क्या उसका एक्सेप्टेंस कैसा रहा, इसके ऊपर से एक बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ इतना बड़ा व्यक्ति जब कह रहा है तो इसकी जानकारी जनता को होना बहुत जरूरी है, संदिग्ध है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब बात करता है उनके चाहने वाले लोग होते हैं, उसको फर्क पड़ता है, एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने उत्तराखंड सरकार से जहां से उन्होंने इस दवाई के लिए जहां से लाइसेंस लिया है वहां पर उन्होंने ये अप्लाई किया था कि ये दवा जो है हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर के नाम की टाइप की दवा और बुखार के लिए, फीवर के लिए दवा बनाने जा रहे हैं, उस दो चीजों के नाम पे इन्होंने ये लाइसेंस हासिल किया है। ये दोनों तीनों चीजें जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, इस चीजों के ऊपर में कहीं ना कहीं अंदेशा जाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह कर इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है, इस तरह की बातें लोगों के सामने रखी जा रही है, क्योंकि पूरे विश्व में यह बीमारी है, विश्व के लोग इसके पीछे लगे हुए हैं,
सडनली आप उठते और बोलते हमारे पास ये दवाई हमने इजाद कर ली है जिसका कोई बेस पता नहीं चल रहा है, आपने देखा कि ICMR ने इसका 6 घंटे के अंदर इसको रोक दिया, इनके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रोक दिया है, उन्होंने उनसे कुछ रिसर्च पेपर बुलाए हैं, उनकी उनके फॉर्मुलेशन बुलाया है जिसका रिकॉर्ड उन्होंने आज भी उनको एक पत्र दिया है इस चीज के लिए। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर उन्होंने कोई ट्रायल किया है तो किस सरकार ने उनको ये इजाजत दी है और वो पेशेंट कौन है? आपने देखा होगा बीच में US में एक बच्ची ने अपना उस पर ट्रायल किया गया और किसी उसको पब्लिसाइज किया गया, तो ये हमें जानना जरूरी कि उसमें तथ्य क्या है, ये रियलिटी क्या है, क्योंकि अगर रामदेव बाबा जैसे व्यक्ति अगर इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सच पद लगता है। और इसके लिए हमने पुलिस में तकरार की है कि इसकी जानकारी ली जाए, इनकी खोजबीन की जाए इस चीज की, और क्यों इस तरह से हुआ कि सरकार ने किसी न किसी ने अगर इनको इजाजत दी होगी, किसी भी सरकार ने, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आप राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं की भी सरकार ने दिया, वो चीज तो सामने रखे। तो ओझा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि पतंजलि अपने आप में एक ब्रांड है, प्लस रामदेव बाबा का अपना एक ऑरा रहा है और एक पब्लिक फिगर है, तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारियों के साथ में फिर इसका लॉन्चिंग करना था। जिम्मेदारी के साथ कोई बयान देना चाहिए इस तरह से भ्रमित भाषा का इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर उन्होंने ये ट्रायल और सब किया होता तो ICMR उनको रोक नहीं लगाता जी, और उन्होंने जो लाइसेंस लिया है वो लाइसेंस पे सीधा कोरोना दवाई के लिए लाइसेंस मांगते हैं। कहीं से भी उनका लिखित में यह समझ में नहीं आता, ट्रायल भी जो बता रहे हैं, हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये ट्रायल जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, ऐसा ट्रायल उन्होंने कहीं किया नहीं ऐसा मैं समझता हूँ जी, क्योंकि तथ्य इस वक्त उजागर नहीं है आपके सामने, इसलिए आपके मन में ये शंका है। आपकी इसी शंका को मैं डॉक्टर अविनाश के पास में लाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल एक्सपर्ट है, आप किस नजरिए से देखते हैं सर इस सारी स्थिति को, क्या ये जल्दबाजी हो गई? नहीं, मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन लेना चाहूंगा ओझा जी से कि उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डिटेल्स मंगाए है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जानकारी हमको दीजिए, ये जानकारी हमको दीजिए, क्या किया है क्या नहीं किया है, इस तरह का कंप्लेंट है कि आपने जो भी किया है गलत किया है, इसमें पब्लिक का फसौनुक हो रही है, उनको तरफ मिसडायरेक्ट किया जा रहा है, इस तरह का कंप्लेंट है, वो मैं सबसे पहले थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर वो जानकारी लेना चाहते तो अलग तरह से बात होगी कि भाई इस तरह का हमने स्टडी किया है और उसके ये ऐसे ऐसे असर है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, अपना ऑब्जेक्शन क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्शन है कोरोनिल नाम के टैबलेट पे है कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई करके एडवर्टाइजमेंट करना चालू किया है, इस पे है कि दवाई के कंप्लीट, इस पे आपका ऑब्जेक्शन है कि इस तरह की दवाई बन नहीं सकती है? नहीं, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने कोई RTI में इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए ये कंप्लेंट की नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से जो वक्तव्य उन्होंने खुले रूप से दवाई को लॉन्च करते समय जो शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको पूरे देश ने देखा है, उस बात पे हमारा ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह से उन्होंने अपने दवाई को लॉन्च करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, देश को कहा है कि कोरोना को 100% इस बीमारी को दूर करने की दवाई हमने इजाद की है। तो जो दवाई इजाद की है उसके बाद उन्होंने दूसरा शब्द ये बोला गया कि हमने इतने लोगों पे इसका ट्रायल किया है। अगर और ट्रायल करने के बाद वो बोल रहे हैं ये ठीक हुए हैं, अगर बीमार रहेगा तो ठीक होगा, अगर बीमार उनके पास गया ही नहीं, बीमार तो सीधा हॉस्पिटल जाता है, गवर्नमेंट के आदेश निकले इसके अंदर में स्पष्ट रूप से कि कोरोना से संक्रमित आदमी कोई भी सरकारी अस्पताल के सिवा कहीं भी इलाज नहीं कराएगा, कि ये छुआछूत की बीमारी है, कहीं साथ बैठने से उसको छुआछूत हो जाता है, मतलब बीमारी लग जाती है। ये बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने आदेश निकाले थे, अगर ये आदेश सरकार ने निकाले तो कहीं ना कहीं जहां उन्होंने ट्रायल किया होगा तो उस जगह कहीं ना कहीं पे उनको सरकार ने समझौता किया होगा, उनको साथ दिया होगा, अस्पतालों ने उनको मौका दिया होगा मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए, उस बात पे हम कह रहे हैं कि ये बात गलत है, क्योंकि जब सरकार ने आदेश निकाला है तो कहीं ना कहीं नियम भंग नहीं हुआ होगा या सरकार ने कुछ किया होगा कि इसकी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करे, इसकी जानकारी ले, इस पे कार्रवाई करे, अगर गलत है तथ्य गलत है तो उसपे कार्रवाई करे, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी विश्व स्तरीय बीमारी है जिसके अंदर में लोग अपने आप को तैयार किया लोगों ने। ठीक है अविनाश जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, ये बीमारी का इलाज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी गई हुई है, अभी दी ना? हाँ, मिला हुआ है परमिशन, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट में टेक ओवर किए हैं,
वहां भी गवर्नमेंट के ऑफिसर नहीं जा रहे, वहां के प्राइवेट डॉक्टर ही उनका इलाज कर रहे हैं। रहा सवाल कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट होम्योपैथिक फैकल्टीज को भी परमिशन दिया है क्या, तो आयुष उसमें भी उनको भी परमिशन दिया गया है, और जिस तरह से उन्होंने अपने अपने दावे किए उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि एडजुवेंट थेरेपी करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आप होम्योपैथिक दवा भी ले सकते हो, आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हो, एलोपैथिक भी दवा ले सकते हो। जहाँ तक कि अपन ने अभी तक के डिस्कस किया है कि कोरोना के जो भी पेशेंट बने उसको अपन ने तीन में कैटेगराइज किया है। 80% पेशेंट जिसको जिसमें असिम्प्टोमेटिक कैरियर हो या माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट होते हैं, 16% जिनको थोड़ा ऑक्सीजन थेरेपी आईसीयू एडमिशन लगती है, 4% पेशेंट को वेंटिलेटर्स लगती है, उसमें से 2.5 से 2% पेशेंट एक्सपायर होते हैं। जो सैंपल साइज रामदेव जी ने जो लिया हुआ है उन्होंने 95 पेशेंट्स का स्टडी किया है, जितने पेशेंट्स ये आखिरी के 4% में हैं जिनको कोमॉर्बिड इंडेक्स बोला जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज है, उम्र 60 साल से ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन लोगों को इन्होंने अपने स्टडी में नहीं इंक्लूड किया है। इवन दो पेशेंट को ऑक्सीजन की मात्रा जिसको हम SpO2 बोलते हैं 90% से कम है या जिनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, उन पेशेंट को भी इन्होंने स्टडी में नहीं लिया है। तो बेसिकली इनकी जो स्टडी है इसको हमारे लैंग्वेज में पायलट स्टडी बोला जाता है। एक आदमी ने अपने चॉइस के हिसाब से उनके मर्जी के हिसाब से पेशेंट लिए, उनको दवा दिया और अपना रिजल्ट पब्लिश किया, इसको पायलट स्टडी बोला जाता है। उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं होती है, जिसको रेफरेंस टेक्स उसमें कोई स्थान नहीं होता है, जिसको इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं इंडेक्स जर्नल जर्नल्स होते हैं उनमें उनको पब्लिसिटी पब्लिकेशन के लिए इजाज़त नहीं मिलती है। तो इनकी ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में भी स्टडी नहीं है, इनकी सैंपल सिलेक्शन भी करेक्ट नहीं है, इसलिए इनका जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि ये कारगर दवा है, ये मैं समझता हूँ बहुत वैलिड नहीं है। क्योंकि ये जो 80% पेशेंट जो अपन ने देखे हैं, इनको ना तो कोई मेडिसिन की आवश्यकता होती है, वो वैसे ठीक होते हैं, विटामिन सी और जिंक देने से या एखादा एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाते हैं। वही पेशेंट इन्होंने लिए है और उनको इन्होंने ये दवा दिया है और उसके साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने कारगर दवा निकाली है। उनका जो दावा है उसके पीछे उनके पास एक सक्षम सैंपल साइज नहीं है, एक सक्षम ये अच्छी ताकतवर इनके पास क्लेम करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब इतना बेस स्ट्रांग बेस के बगैर किसी स्ट्रांग बेस के ये दावा किया जा रहा है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। नहीं, कोई बेस ही नहीं है, स्ट्रांग बेस ही नहीं है। जो 90% पेशेंट्स लिए उन्होंने, उनको दवा देते हुए या नहीं देते भी तो भी वो ठीक होने थे, इसके उस दवा के कारण वो ठीक हो गए। वो जो क्लेम है वो मेरे को लगता है बहुत वाजिबी नहीं है, जिसके भरोसे वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्लेम कर रहे कि, और ये उदय साहब ने बराबर बोला कि इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा इसका अभी अब रिजल्ट देख रहे हैं, उसके अनेक इम्पैक्ट आ रहे हैं, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट आ रहा है, सब कुछ हिल गया है, उसके बावजूद भी आप इतना लाइटली उसको बोल सकते कि ये 5-10 दिन दवा खाइए बीमारी हट जाएगी। तो जो मेहनत हमने लिया अभी तक के कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, जो बेसिक्स थे जो कोरोना के साथ में हमारे जीवनी में हमको शामिल करने थे, ये पूरा ढांचा का ढांचा हिल जाएगा। लोग तो ये बोलेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत 7 दिन दवा खा लो, मामला खत्म। ठीक है, मैं डॉक्टर लद्दड़ साहब के पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर लद्दड़ साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर लड्डा जी, मुझे ये बताइए कि पूरे विश्व की कई संस्थानें जो है लगी हुई है कोरोना के ऊपर में मेडिसिन बनाने के लिए, रिसर्च चालू है, फिर क्या ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं की गई पतंजलि की ओर से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से और डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, ये जल्दबाजी तो हुई है, साथ में इसको गलत ढंग से पेश किया गया है। जी, आज आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद होम्योपैथी या यूनानी सभी को परमिशन दी है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन बन दो। एलोपैथिक मेडिसिन जहां चलनी है वहां चलनी है, और जो डॉक्टर साहब ने बताया 5% पेशेंट जहां वेंटिलेटर आईसीयू ऑक्सीजन ये सब लगना है वो लगना ही है, उसको टाल के चलेगा नहीं। उसके साथ में कोरोना के प्राइमरी सिम्टम्स दिख रहे हैं या जिसको कोरोना एक्सपोज है उनके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि इनको प्रिवेंटिव दे दो, प्रिवेंटिव देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 100% दावे के साथ मैं ये कह दूं कि ये कोरोना ठीक कर देगा, बिल्कुल गलत है। आज सबको पता है आईसीयू में जाने के बाद पेशेंट को जो प्रोटोकॉल है, वैसे भी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है, भले ही आप पैरेलल मेडिसिन कोई भी दो, अल्टरनेट मेडिसिन कोई भी दो, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। भले ही इनको परमिशन दे दिया, हमको सबको आयुर्वेद वाले को होम्योपैथी वाले को परमिशन दिया है
ये कभी नहीं कहा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन बंद करो, एक्सक्लूसिवली आयुर्वेद या और मेडिसिन पे ठीक होगा। आपको एलोपैथिक मेडिसिन चालू ही रखनी है, उसके प्रोटोकॉल फॉलो ही करने हैं। आईसीयू में ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो चलेगा वहां तो कोई रोल ही नहीं आता पैरेलल मेडिसिन का, वहां तो मॉडर्न मेडिसिन ही चलती है और वही चलनी है। उसके पहले या उसके बाद में हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं, जो 80% पेशेंट है, जो 15-16% पेशेंट है उनमें डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि कोरोना का हर पेशेंट हम ट्रीट कर देंगे, ये एक तो जल्दबाजी भी है और ये दावा थोड़ा अतिशयोक्ति है। ऐसा दावा करना भी नहीं चाहिए कि ये कोरोना की दवाई है, ये कोरोना की एडजुवेंट थेरेपी है, ये कोरोना में हेल्पफुल है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। डेफिनेटली तुलसी एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक है, तुलसी एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसके कंटेंट भी उन्होंने शेयर किए थे, गिलोय जैसी जो चीजें थी, जो रोजमर्रा की चीजें है उसमें शामिल है। ये बातें उन्होंने जब लॉन्चिंग के वक्त रामदेव बाबा ने शेयर भी की थी। मैं चंदू जी से बात पूछना चाहूंगा, चंदू जी क्या ये दवा का लॉन्चिंग करके इसका भविष्य कुछ भी हो लेकिन एक पब्लिक तक पहुंचने में रामदेव बाबा जी ने एक कारगर कदम ऑलरेडी उठा लिया है? नहीं, जहां तक रामदेव बाबा का सवाल है, रामदेव बाबा पूरा ब्रांड बने हुए अभी। जी बिल्कुल, रामदेव बाबा के फॉलोअर्स बहुत है, उन्होंने कोई दवा निकालना लोगों ने दूसरे दिन उसको मानना एडॉप्ट करना ये लोगों में एक हो गई। जहां तक बाकी टेक्निकल प्रश्न है, रामदेव बाबा ने बहुत जल्दबाजी की, हर चीज में जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है इस बात की भी जल्दबाजी। वो तो नोटबंदी हुई थी, जब भी उन्होंने कहते जो नोटबंदी को नहीं मानेगा वो देशद्रोही हो जाएगा तो उनके नहीं, अब कई उनके ऐसे सारे वक्तव्य रहते हैं, लेकिन क्या होता उस वक्तव्य को उस समय दबा दिया जाता। तो इनको क्या है, अपनी सारी चीजें ब्रांडिंग करने की आदत पड़ गई है। कभी राजनीति की बात करते हैं, कभी दवाई की बात करते हैं, तो कभी सोशल हेल्थ की बात करते हैं। तो रामदेव बाबा को समझने के लिए अभी जो उनका प्रभाव लोगों पे काफी है, हम चिंतन करता समझ रहे कि एक्चुअल हकीकत उनकी क्या है, लेकिन हम पब्लिक में जाके ये बताने के लिए थोड़ा सा फेल हो जाते। जैसे ओझा साहब ने कंप्लेंट की, लेकिन मुझे लगता है जितनी जल्दबाजी रामदेव बाबा ने की उतनी जल्दबाजी ओझा साहब ने भी कर ली है। प्रॉपर कंप्लेंट का जो तरीका होना चाहिए, जैसे कंप्लेंट बताते सही समय हमारे चौधरी साहब ने पूछा कि आप इसमें से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट में सीधी शिकायत होनी चाहिए कि इस पर ऐसा ऐसा क्या कार्रवाई, मैंने कंप्लेंट देखी, कंप्लेंट उन्होंने सिर्फ एक शिकायत करके अपने पास में रख ली। ऐसे में क्या होता, इन लोगों का मॉरल और बढ़ते जाता, क्योंकि कंप्लेंट देखेंगे उसमें इंक्वायरी आएगी जाएगी होगा, इससे समय पास हो जाएगा। कुछ तो भी ऐसी कॉन्क्रीट कंप्लेंट, कुछ दिन रुकते उनका कुछ आरटीआई में कुछ पेपर्स मंगाते, उस पेपर्स के आधार पर यदि कंप्लेंट करते तो शायद हो सकता कि कंप्लेंट में कुछ वेटेज रहे। जल्दी से पब्लिसिटी पाने के चक्कर में भी ओझा साहब ने गए बिना समझे मुझे लगता शायद कंप्लेंट कर दी। नहीं, ओझा जी की कंप्लेंट के पीछे क्या भूमिका रही, ओझा जी से समझते हैं ना, ओझा जी क्या नहीं भूमिका जो भी रही होगी, हम तो जो अभी हम जो देख रहे हैं उसका भूमिका सबकी अपने अपने होती है, उसमें हम लोग और जनता किस नजर से देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बात रही रामदेव बाबा को किसी भी चीज में इस प्रकार की, यानी मेरे पास में एक चीज है वो चीज छोड़ के दूसरी चीज बताने के लिए प्रमोट करना, ये इसके लिए कभी भी सरकार ने और जनता ने माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोरोनोल की दवा, और हालांकि देखा जाए तो दवा सरकार के पास में भी नहीं है, सरकार भी वही काम कर रही है जो रामदेव बाबा ने दवाई बना कर दी है, इससे अलग सरकार भी नहीं कर रही है। ठीक है, उनका प्रोटोकॉल है, उनके हिसाब से जाना है, सिस्टम से जाना है, और वो एक प्रॉपर थ्योरी बनी हुई, पूरी सिस्टम बनी है, उस सिस्टम को पूरा बायकॉट करके कि आपको कोरोना हो ये दवाई ले लो तो हम नहीं करेंगे, जैसे आलोक जैन बताया कि पूरा का पूरा ये प्रोटोकॉल पूरा फेल हो जाएगा। बाकी जितनी सारी चीजें जो सरकार जिसके लिए प्रयास कर रही है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। रामदेव बाबा साफ आगे बोले कि जितना सरकार प्रयास कर रही है आपको सैनिटाइजर नहीं यूज करना पड़ेगा दवा खाने के बाद में, ये नहीं करना, ये सारी चीजें बोले तो उसके दावे में फिर समझ में आता कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। इम्यूनिटी सभी, हर आदमी इम्यूनिटी बना, डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे हमको इम्यूनिटी की दवा देंगे, ये भी इम्यूनिटी की दवा, उसी आधार पर वो दवा भी उसी चीज में बनाई हुई है। हालांकि हो सकता है ये सब्स्टिट्यूट है, उसको सब्स्टिट्यूट न बोल के पहली लाइन की दवाई उन्होंने कह दिया, ये पूरी तरह गलत है, और कह दिया तो सरकार ने भी इमीडिएट एक्शन लिया, मंत्रालय ने इमीडिएट एक्शन लिया, उनकी दवाई अभी बैन कर दी, एडवर्टाइज बैन कर दी। कल यही वो थोड़ा सा शब्द सुधार कर कि नहीं ये इम्यूनिटी बूस्टर वाला दवाई मार्केट में लॉन्च कर दी, तब हम क्या करेंगे। आलोक जी, आपको क्या लगता है क्या भाषा होनी चाहिए थी लॉन्चिंग की, ओर की क्या भाषा होनी चाहिए थी? चौधरी जी कुछ बोल रहे, एक मिनट एक मिनट बोलना चाहता हूँ। रामदेव बाबा पतंजलि एक बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिश ब्रांड है। जी जी, इनका अपना मार्केटिंग चेन है, इनका फॉलोअर है, इनको एक मीडिया का बैकअप है, इनको एक पॉलिटिकल बैकअप है। एक मिनट के अंदर अगर ये दवा इधर इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके आ जाए या शक्ति बढ़ाने की दवा करके आ जाए या कोरोना लाइन लगा के बिकेंगे, ये लाइन लगा के बिकनी मैं वही बोला ना, इसका
यदि ओझा साहब थोड़ी कंप्लेंट में थोड़े तरीके से जाते शायद आगे की दवाई भी रुक सकती थी। कंप्लेंट के कंटेंट भी हम ओझा जी से जानेंगे ना, आलोक आलोक जी की बात तो सुन ले। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इन्होंने ये मार्केट में दवा आनी ही नहीं चाहिए, तो पूरा स्टॉक सीज कर देना चाहिए, उसका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, उस पर एक इमीडिएट इंक्वायरी लगा के कि ये किस तरह से कारगर हो सकती है। ये कंटेंट क्लब कंप्लेंट में चाहिए थे, ये कंटेंट कंप्लेंट चाहिए थे। उसके बाद मैं दवा के खिलाफ नहीं हूँ, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके नहीं बोले ना, सरकार और ये सब एक साथ नहीं चल रहे। सवाल ये है कि वो एडजुवेंट थेरेपी करके अगर प्रमोट करते हैं तो भी लोग उसको कोरोना की दवाई करके खाएंगे, इनके सेल में कमी होनी नहीं है। अभी प्रेजेंटेशन गलत हो गया थोड़ा, नहीं तो अभी भी उसका माल उतना ही है। नहीं मैं बताऊं कि बाबा जी ने जो कल जो बात बोली उसमें थोड़े जो चंदू भाई ने जैसा बोला शब्दों का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। एक्चुअली हम लोग मानसिक गुलामी से ग्रसित लोग, 70 साल की जो मानसिक गुलामी जो है, 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी, तो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को आपने आज तक के वीक ही समझा है। बाबा रामदेव कोरोना की दवाई वर्ल्ड में निकाल सकते विश्वास ही नहीं बैठेगा, हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे गलत धारणा है, हमने हमारी शक्ति को कभी पहचाना नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारा, और हम पीछे लग जाते बैन कर दो ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होता है साहब। उसने अगर कोई चीज आप उसके शब्दों के बारे में मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ बाबा रामदेव का कि भाई ने उन्होंने बोला कि कोरोना के दर, लेकिन साहब अगर प्रयास हुआ है, भले ही वो मार्केटिंग के हिसाब से हुआ बेचने के हिसाब हुआ, प्रयास हुआ है, डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ में बात कर रहे हैं, और आपको 3 दिन में ये सब डिस्कशन जब हमारा चल रहा था कल जब आई आयुष मंत्रालय ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, टेक्निकली आपकी गलत हो सकती कि आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, आपने ये परमिशन नहीं किया। अरे भाई जो दवाई का कंटेंट है वो किसी कोई बात ही नहीं कर रहा उसके ऊपर, अरे जो दवाई का कंटेंट है वो तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही आपका। और जो उन्होंने जो बोला कि आप डॉक्टर साहब ने बोला कि जिंक की दवाई ले लो, अरे भाई जिंक क्यों ले लूं मैं तुलसी क्यों नहीं लूं, इजीली अवेलेबल तुलसी मेरे पास में गिलोय है, गिलोय क्यों नहीं लूं मैं, नाक में तेल डालने के लिए बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं साहब वो। अरे ये चीजों का प्रेजेंटेशन वो हो सकता है कि उन्होंने जो मीडिया में आके वो कई बार जैसा बोल देते कि ये गलत हुआ है और ये राष्ट्रद्रोह का है, तो रामदेव बाबा का प्रयास एक बहुत सही है। और ओझा जी ने जो कंप्लेंट की है वो ओझा जी के कंप्लेंट में कोई बेस नहीं है। ये अगर मैं बताऊं तो मैं तो क्या है राजनीतिक विश्लेषक हूं और मुझे मालूम है तो ये पॉलिटिकली एजेंडा बन गया है कि वो आप विरोध करोगे, विरोध करने के बाद में वो होगा, फिर वो लोग आएंगे, ये सब होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये मान ही नहीं सकते वर्ल्ड में। अरे हुई WHO की रिपोर्ट सब गलत आ रही है, चीन ने WHO के आज एक रिपोर्ट दे रहा है, कल दूसरी रिपोर्ट दे रहा है, ये सब चीजें नहीं। सबसे पहले हम आत्मनिर्भर की अगर बात कर रहे हैं और अगर किसी ने ये प्रयास किया है तो उस प्रयास को तो अप्रिशिएट करो। आपने कल हुआ आप पहुंच गए। अरे आपको मैं बताता हूं, फेयर एंड लवली कोरे होने की क्रीम किसी ने विरोध नहीं किया, हम मंजन करते थे दातोन करते थे, हाँ कोलगेट आके बोलने लगा कह रही ये गलत है, हम लोग को हड्डी का चूरा घसने लगे दांतों में, हाँ दांत के डेंटियल के डेंटिस्ट के सबसे बड़े प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, तब आपने किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने ये नहीं बोला कि भाई आपने बोला कि अभी इसकी दवाई गोरे होने, अरे गोरे होने की क्रीम अगर फेयर एंड लवली ने बनाई थी तो साउथ के सब गोरे हो जाते, गोरे हुए क्या उसके ऊपर तो कभी आपने। अरे उसने प्रयास किया है, उस प्रयास को आप अप्रिशिएट करो। हम क्या है, वर्ड्स पकड़ रहे हैं, हम शब्द पकड़ रहे हैं। अरे एक देश में किसी ने ये काम किया है कि भाई ये SAC है कि दवाई में ये इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, ये सब हो सकता है, उसके बारे में अप्रिसिएशन है ही नहीं। बस विरोध, किसी भी बात का विरोध करना है, हम लग गए विरोध करने के लिए, शुरू हो गए ये गलत है वो गलत है। और मैं आपको अभी दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ आपको, अभी दूसरे चैनलों पर भी मैं जाऊँगा उसमें भी मैं ये बोलता हूँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको 8 दिन के अंदर जो आपको रिकॉर्ड चाहिए है वो रिकॉर्ड बाबा रामदेव सबमिट करेंगे। क्योंकि तो ये रिकॉर्ड सबमिट करने के, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए रत्ना जी जी, ये जो रिपोर्ट सबमिट होगी ना, बाबा रामदेव जो है उन्होंने जो वहाँ पे है 100 करोड़ की लैब ऐसी नहीं लगा ली है। अभी आयुर्वेद को आप क्यों नहीं मानते थे, मैं आयुर्वेद का समर्थक हूँ, आयुर्वेद को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि आपके पास में कोई रिसर्च बेस नहीं था। आप बोलते थे भाई तुलसी खा लो ठीक हो जाओगे, अरे तुलसी का गुण क्या है, वो गुण उन्होंने बताए हैं आप, और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ ये सब गुण पूरे पेशेंट। अब आप बोल रहे हो 3% 4%, अरे 4% पेशेंट को तो वेंटिलेटर पे जाना ही है, हम तो बात कर रहे हैं 90% की बात कर रहे हैं ना यार, 90% पे नहीं सोच रहे हम, 4% 3% वो वेंटिलेटर पे था, उसको डायबिटीज था, अरे वो तो मरे गई, वो तो मरने वाला है, उसके लिए आप क्या कर सकते, उसके लिए तो जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने बताया वो हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रेजेंटेशन है जिसमें शब्दों का चयन उन्होंने किया कि ठीक हो जाएगा, ये जरूर गलत है, लेकिन हमने इस एफर्ट को
एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई तो भी आया जिसने बिना सरकार की मदद के कुछ तो भी काम किया है और करके दिखाने के प्रयास कर। आलोक जी, आपने जितना कहा रामदेव बाबा के बाद सारे बातें रहती शब्दों की, उन्होंने कहा कि इससे ठीक हो जाएगा, क्या सरकार पैरेलल में उनको पेशेंट देगी? क्या पैरेलल में पेशेंट लेके वो ठीक कर सकते हैं पूरे की भाई इतने मेरे को इतने पेशेंट दे दो? मैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना की दवाई यानी एंटीबायोटिक, उसकी सीधी सीधी वैक्सीन हो गई। वो वैक्सीन और दवाई दोनों टोटल डिफरेंट है। उन्होंने वैक्सीन की परिभाषा दी वहां पे कोरोना से इससे मुक्ति। कोरोना के पेशेंट तो ठीक हो गए, उन्होंने लिया तो वो भी नहीं हो गया। उन्होंने सीधी सीधी कोरोना के ऊपर, जब बोल रहे हैं कि कोरोना के ऊपर दवाई नहीं है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, खुद के अंदर आपके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है जिसके कारण ठीक हो रहा। रामदेव बाबा को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, उनकी दवाई को। मैं तो ये भी कहा कि भाई जो सरकार कर रही है वो भी इन्होंने किया, हमने भी बोला है कि वो तो एक ब्रांड एम्बेसडर है उनके, उनका एक और है। लेकिन जिस ढंग से वो बोलने जा रहे नहीं कंप्लेन नहीं, मैं बोला जिस ढंग से उन्होंने बोला कि कोरोना की सीधी दवाई है, हमारा ऑब्जेक्शन उस पर, उसकी दवाई के कंटेंट पर, दवाई के कंटेंट पर हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते ना सर। डॉक्टर लड्डा जी आपके पास आने से पहले, सब तरफ से है चंदू जी, मैं पहले डॉक्टर लड्डा जी आपके पास आने से पहले ओझा जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनने के बाद में फिर आपको बोलना है। हाँ ओझा जी, आलोक जी के ऊपर मैं बातों पर आप कुछ बोलना चाहते थे। आलोक जी की बात पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आलोक जी इस बात को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, वैसा कुछ बेसिकली मैं सामाजिक आदमी भी हूँ। आलोक जी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रामदेव बाबा के प्रयासों को इतना बता रहे हैं तो आज तक मुझे ये बताएं कि कौन सी दवाई उनकी आज तक बहुत ढंग से, जिसने देश में बहुत बड़ा भूचाल मचा दिया, और कौन सी डिजीज जो उन्होंने एकदम ख़त्म कर दी हो। कैंसर की दवाई में भी उन्होंने इसी तरह का मुद्दा रखा था कि 100% कैंसर क्योर हो जाएगा। आज तक मुझे कुछ इतने पेशेंट बता दीजिए आप, इतने सारे अस्पतालों में पेशेंट की लाइन लगी हुई है कैंसर के लिए। मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत देश में कोई ना कानून कायदा एक लोकतंत्र होने के नाते एक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। आपने 3 महीने का समय बर्बाद करके अपने आप को इस बीमारी के साथ एडजस्ट किया है, और अगर किसी भी तरह की आप बड़ी बड़ी बातें करके इस अनुशासन में जिस तरह सरकार हमको लाई है, 2-2.5 महीने 55 दिन हमें अगर लॉकडाउन में रख के हमें सिखाया है कि आपको इस बीमारी से कैसे बच के रहना, किस तरह से आपको इसको संभाल के चलना है, और इसी पीरियड में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है। इसके पीछे बेस ये भी कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, कल चल के अगर पेशेंट बढ़ते तो उन्हें कहाँ रखा जाए। इस जंक्चर पे, इस समय पर आप इस तरह का बयानबाजी करना, इस तरह की दवाई को निकालना, मैं दवाई के बारे में बोल नहीं रहा हूं। मेरा कहना है कि भाई एक तो नेशनल डिजास्टर में ये चीज आज नहीं बैठती है, दूसरा ड्रग्स एंड फूड एंड ड्रग्स में अगर जिस ढंग से इन्होंने बताया गया है उस ढंग से भी ये बैठता नहीं है। दवाई चलो एक बार ठीक मिलेगी, तरीका क्या? अगर उनके बातों जैसा कि सजोटिया जी ने कहा कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, सडनली ये बात कल से लोग आ जाएगी भी ये तो दवाई आ गई है, और जो 3 महीने की जो मेहनत सरकार ने करके लोगों को तैयार किया है, लोगों को माइंडसेट क्रिएट किया है कि भी आपको इस पैंडेमिक में इस तरह से चलना, वर्ल्ड ये कर रहा है, सडनली आप इस तरह की बात करके गुमराह करके आप कोई दवाई अगर बताना चाहते हो, कल चल के आपके लोगों ने ये लॉकडाउन तोड़ दिया है, इस तरह का अनुशासन पालना बंद कर दिया और आपकी दवाई खाना शुरू कर दी, तो देश किस जगह जाएगा? मैं बाबा जी के ऊपर यही ऑब्जेक्शन मेरा है कि भले ही आपने दवाई बनाई होगी, लेकिन जब वर्ल्ड में बहुत लोगों ने दवाई बनाई है, किसी को परमिशन नहीं मिल पा रही है, कुछ लोगों को परमिशन मिली सिर्फ ट्रायल करने की। ऐसे नहीं कि बाबा जी अकेली दवाई बना रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दवाई बना के रखी, वो सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। बाबा जी ने तो ये करना चाहिए था कि ये मैंने दवाई बनाई है और ये मैं सरकार को दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, सरकार इसको ट्रायल करके देख ले तो बात कुछ और हल होगी। आप सीधे पैकेट ला के लॉन्च कर रहे हो कि कल से मार्केट में, परसों से, 4 दिन में 15 दिन जैसे आप दावा कर रहे हैं, 3 दिन में दवाई मार्केट में मिलने लग जाएगी, तो क्या होगा? मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ कि भारत में अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका कोई तरीका है? आप लोगों को इतने 125 करोड़ जनता को एक लाइन में आप खड़ा करके इस तरह से भेड़ चाल नहीं कर सकते आप। आज मोदी जी को या राज्य सरकारों को इस जनता को अनुशासन में लाने के लिए 3 महीने लग गए,
इकोनॉमी खराब हो गई हमारी, लोगों के बेरोजगार रोजगार छिन गए, लोग श्रमिकों को घर जाना पड़ा, लोगों के पैर छिल गए घर पहुंचते पहुंचते, कई परिवार टूट गए, कई लोग बेचारे जीवन जिनका चला गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सडनली आप अचानक उठ के बोलते हो कि मेरे पास दवाई आ गई है पूरे वर्ल्ड में, तो पॉसिबल नहीं लगता, मुझे भी हजम नहीं होता। ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इसी का सरकार पुलिस कार्रवाई करे, इसकी जांच करे। मेरे को आज पुलिस कमिश्नर ने वादा किया कि हम एफडीए डिपार्टमेंट को से इंक्वायरी करवाते हैं सब चीजों की। मेरे साहब एफडीए से कराए, किसी से भी कराइए, लेकिन जिस ढंग से लोगों को गुमराह किया जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मैं डॉक्टर लड्डा जी के पास में आना चाहूंगा। लड्डा जी आप बात कर रहे हैं। रत्नाकर जी मैं चौधरी साहब से, अभी ये दवाई और वैक्सीन दो अलग अलग चीज है दोनों में, क्योंकि कई देशों ने दावा वैक्सीन का किया दवाई का किया। चौधरी साहब वैक्सीन और दवाई में क्या फर्क होता है? नहीं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ओझा जी ने जो अभी प्रेजेंटेशन किया मैं उससे बहुत सहमत हूँ। आप थोड़ा सा मेडिसिन के इसको समझने का प्रयास करिए, जब कोई नई दवा बनती है तो उसका पहले एनिमल स्टडी होता है, एनिमल स्टडी में वो प्रूव होने के बाद फिर ह्यूमन स्टडीज होता है, ह्यूमन स्टडीज के प्रूव होने के बाद मल्टीसेंट्रिक स्टडी होता है और उसमें डबल ब्लाइंड स्टडी नाम की चीज होती है। यानी ये दवा 100 पेशेंट में से 100 जो पेशेंट्स है उनमें से जो प्लासेबो यानी जिसमें कुछ भी दवा नहीं है और कुछ दवा वाले ऐसे रैंडमली दिया जाता है और वो किसी को मालूम रहता है कि किसको दवा गई और किसी को प्लासेबो गया है। उसके बाद वो पता कर एनालिसिस किया जाता है कि किसको रिजल्ट मिले और किसको नहीं मिले, और जब पता चलता है कि जिन जिन लोगों को दवा मिली है वो ठीक हो गए हैं, जिनको दवा नहीं मिली यानी प्लासेबो मिला है वो ठीक नहीं हुए, तो ये होता है सर्टिफिकेट कि भाई ये दवा इफेक्टिव है एक प्रॉपर वे से जाके। हाँ ये प्रॉपर वे बोलते हैं। और ये होती है सिंगल सेंट्रल स्टडी, जिसको डबल ब्लाइंड स्टडी बोला जाता है। मल्टीसेंट्रिक स्टडी यानी अमरावती हो रही, नागपुर हो रही, बंबई हो रही, दिल्ली हो रही है, तो एक कंट्री में हो रही है और एक पैन वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में इसके मल्टीपल सेंटर्स में स्टडी होती है। वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसकी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट की जाती है, सेंसिटिविटी कैलकुलेट किया जाता है, उसको स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन दिए जाते हैं और उसके बाद वो ड्रग को परमिशन दी जाती है। अब जहां तक आत्मनिर्भर और आयुर्वेदिक का सवाल है, मैं बहुत इससे प्राउडली बताता हूँ कि इंडिया में बहुत सारा नॉलेज है, अपन को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रामदेव जी ने जो दवाई बनाई है हम भी बड़ा अच्छा लगा हमको, पर जिस तरह से वो स्टेक होल्डर्स बन रहे क्लेम कर रहे हैं कि बस कल से गोलियां मार्केट में आ जाएगी और कोरोना मुक्त हो जाएगा, ये गलत है। और जिस तरह से मीडिया ने उसको सपोर्ट किया है वो भी गलत है। सर मीडिया को इन्वाइट किया गया था सर वहां पर, सभी मीडिया को प्रॉपरली इनवाइट किया गया था। जब तक मीडिया वहां पर तो तब जाएगा ना जब उसको इनवाइट किया जाएगा, तो मीडिया ने उसको कवरेज किया। मीडिया ने जब उसको प्रमोट किया तो उसको क्रिटिसिज्म के साथ प्रमोट करना चाहिए था जी, कि वो ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। आपको इनवाइट किया काय के लिए इनवाइट किया, कि उसको पब्लिश करने के लिए? लॉन्चिंग सेरेमनी था ना वहां पर, लॉन्चिंग सेरेमनी रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है। आप तो इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है इस देश के, आपने तुरंत इसका खंडन करना चाहिए था कि इस तरह का लॉन्चिंग हो चुका है और इसमें इस तरह की त्रुटि है, क्योंकि ये भयानक मैसेज है। अगर सर आज की चर्चा उसी का प्रयास है सर, आज इस चैनल पर वही प्रयास कर। डॉक्टर साहब ये दवा है या वैक्सीन है रामदेव बाबा की? नहीं तो इन्होंने तो दवा करके क्लेम किया, और वैक्सीन क्या होता है दवा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दवा का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस है, जिसको अपन ने दे दिया वायरस खत्म हो गया, एटम बॉम्ब जैसा समझ लो, बंदूक की गोली जैसा, अगर वायरस है शूट कर दिया मर गया, इसको दवा बोलते हैं। वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन दूसरे रास्ते से काम करता है, एक जंतु शरीर में गया, दवा शरीर वैक्सीन शरीर को दिया गया, वो अपनी फौज बनाएगा और फौज उसको बाहर धीरे धीरे किल करेगा, या पहले से उसकी आर्मी तैयार रखेगा मारने के लिए, जैसा ये वायरस आएगा उसको खत्म करना चालू करेगा। तो वैक्सीन इज बेसिकली इट वर्क थ्रू ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और दवा जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन कर डालता है डायरेक्ट, तो वायरस को डायरेक्ट किल कर देता है। इन्होंने जो क्लेम किया है कि ये हमारी दवा है नॉट वैक्सीन, वैक्सीन का ऐसा होता है कि भाई आगे चल के अगर तुमको इन्फेक्शन होगा फ्यूचर में, हाँ फ्यूचर में, तो आज आप टोचा लगा लीजिएगा, एक टोचन लगा लीजिएगा, उसकी प्रतिकारात्मक शक्ति का इंजेक्शन दे देंगे, पोलियो 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 मीजल्स के टीके वगैरह जो अपन लगाते थे इस तरह के ना, ऑल एपिडेमिक्स उसको वैक्सीन अपन वैक्सीन बोलते हैं। अब ये रामदेव जी ने ऐसा नहीं बोला, पर लोग कैसे हिंदुस्तानी लोग आइए वैक्सीन करके भी उसको यूज करेंगे, इसको खा लो बाद में कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली, और उसमें जो बेसिकली जो बोल दिया ओझा जी ने कि जो 4 महीने 3 महीने अपन ने बड़ी ताकत से लोगों को कन्विंस किया है, लोगों को अपने शिक्षित किया है कि भाई सैनिटाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्या वायरस कैसा फैलता है, कैसा नहीं फैलता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। जी, एक एजुकेट किया है जो अब तक, वो सारी जो सारी स्थिति एक दिन में धारा से ही हो जाएगी। वो कोरोनिल की 590 रुपए की डब्बी जेब में लेके घूमेंगे, खा लेंगे, बोलेंगे मैंने दवा खा ली, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो थोड़ा सा प्रमोशन इज ऑब्जेक्शनेबल, टैबलेट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल। और जो क्लेम कर रहे हैं, जैसे बोल रहे डॉक्टर साहब की वो इतने डॉक्यूमेंट्स ला लेंगे, ये नहीं ला सकते डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनका स्टडी ऑलरेडी बाहर आ चुका है। 95 पेशेंट का सिर्फ सैंपल साइज है, उन्होंने कौन से पेशेंट लिए वो भी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, ये सब ऑब्जेक्शनेबल है। ये सिंगल सेंटर की स्टडी है, वो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इंडिया में नहीं हो रही अभी, इंडिया में होगी, क्योंकि पब्लिक की जनता में वो एक्सेप्ट हो जाएगी। मेरा वही कहना था सर कि जो इन्होंने जल्दबाजी कर ली, जो मंच पे जाके उन्होंने बोल दिया, अब वो पब्लिसाइज तो हो गया, अब उसमें 50% जनता भी अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो उनका व्यापारीकरण तो हो ही गया, उसका कमर्शियलाइजेशन तो हो ही गया, उनका कमर्शियलाइजेशन, उनका इंटेंशन, उनका फाइनेंस सब हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं अनलेस गवर्नमेंट। ठीक है, डॉक्टर लड्डा जी की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर लड्डा जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर लड्डा जी, मेरा एक ही कहना था जी, इन्होंने ये दवाई लॉन्च करते वक्त कैटेगराइज करना था कि किस कैटेगरी के पेशेंट ने ये दवाई लेनी है। Exactly. ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, इसने ये 80% जो असिम्प्टोमेटिक है, जो माइल्ड सिम्टम्स है, इन्होंने लेनी है। जो सीरियस पेशेंट्स है, जो कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको कुछ बीमारी है, जिनका एज ज्यादा है, जिनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है, जो आईसीयू में जाने वाले पेशेंट है, जो वेंटिलेटर पे जाने वाले पेशेंट है, उन्होंने नहीं लेना है। बस ये प्रेजेंटेशन गलत रहा, दवाई डेफिनेटली अच्छी है, दवाई के कंटेंट अच्छे है, उसका स्टडीज भी अच्छा है, सब ठीक है, प्रेजेंटेशन में ये गलत हो गया कि उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया किस कैटेगरी के पेशेंट को ये दवाई देनी चाहिए। उनका इंटेंशन डेफिनेटली अच्छा है, उनकी स्टडीज भी अच्छी है, आज तक की दवाइयां भी उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने ब्रांड बनाया तो ऐसे हवाओं में नहीं बनता है, डेफिनेटली कुछ अच्छा रहा होगा तभी ब्रांड बनाया। उसको तो सब एप्रिशिएट भी करते हैं, उनके उनके प्रोडक्ट्स को, काफी प्रोडक्ट्स को एप्रिशिएट भी किया गया और वो नोन भी, एडमायर्ड भी प्रोडक्ट है। लेकिन इस बार उनका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गलत रहा कि उन्होंने बता देना था कि इस कैटेगरी के पेशेंट में यूज करो और एलोपैथिक मेडिसिन बंद मत करो, दिस इज द ओनली मेडिसिन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दिस कैन बी एडजुवेंट मेडिसिन, दिस कैन बी सपोर्टिव मेडिसिन, दिस विल इंप्रूव कोरोना, दिस विल नॉट क्योर कोरोना, ये बताना जरूरी है। डॉक्टर आलोक जी, नहीं जैसे ओझा जी ने अभी बताया कि मैं पॉलिटिकल साइज कर रहा हूं इसको, और मैं कोई राजनीति वाला व्यक्ति नहीं हो, आपको ओझा जी बताना चाहूंगा, पूरी तरह नहीं हूं, नहीं मैं कहीं पे भी कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं जी, और मैं कभी ना जुड़ने वाला हूं राजनीतिक पार्टी से किसी। मैं ये भावना इसलिए व्यक्त करता हूं कि मैं एक देशभक्त व्यक्ति हूं और स्वदेशी का मैं बहुत ज्यादा फॉलोअर। आई नो मुझे 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 ये चीज समझ में आती है कि कभी अगर कोई ऐसा प्रयास होता है, मैंने पहले ही बोला है कि प्रेजेंटेशन गलत था, ये मैंने कहीं ये नहीं बोला कि नहीं उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन बाकी सब पैनलिस्ट वही चीज बोल रहे हैं कि भाई उसमें ये उन्होंने ये शब्द ऐड कर देना था। और आपने एक और बोला कि उन्होंने ऐसी कौन सी दवाइयां निकाली जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो 10 दवाइयां तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको चैनल टाइम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दबा देता कि आप च्यवनप्राश देखते हैं, आप च्यवनप्राश खाइए इम्यूनिटी के पहले और च्यवनप्राश के बाद का इम्यूनिटी आप चेक कर लीजिए, नंबर एक। उसके बाद में मैं आपको तालीसादी चूर्ण बताता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण बताता हूँ, आप शहद के साथ में उसको लीजिए, आपकी खांसी सूखी खांसी 100% ठीक होगी। तीसरी दवाई मैं आपको गिलोय बताता हूँ, गिलोय और आंवला का रस आप लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा रामदेव का, आप कोई भी किलो और आंवले का जूस आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन सभी ना बताइए, नॉट इन रामदेव, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। और मैं आपको प्राइसिंग के बारे में भी बता देता हूँ कि जो देश की टॉप आयुर्वेदिक दवाइयों की कंपनियां थी वो चीज तो 50 रुपए में बेचते थे, वो पतंजलि 25 और 20 रुपए में प्राइसिंग देता था, और वो हमने चेक किया है, वो इसीलिए हमको इम्पोर्टेंट समझ में आया। कह रहे यार ये 25 रुपए में कैसे, तो हम 100 रुपए में पहले खरीदते थे, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं और मेरा एक रुचि वाला विषय है ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट होता है, बहुत अच्छी दवाइयां हैं और उसको यूज करना चाहिए। लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, अभी समय की कमतरता है तो मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, नहीं समय के साथ कुछ कमतरता है आलोक जी, दवाई इफेक्टिव है। और आपने ये जो किया है कि जो सिस्टम में जो क्या बोलेंगे आप उसको, कि लाइनों के बीच की जो आपने जो बात निकाली कि ये हुआ है, और मैं आपको अभी दावे के साथ में फिर से वही चीज रिपीट करता हूँ,
10 दिन बाद में 15 दिन बाद में दवाई तो बाजार में आएगी है, 100% आएगी दवाई, थोड़े वार्निंग के साथ में दवाई आएगी कि नहीं साहब आप इसको। और आपने एक चीज और बोली कि साहब वो 3 महीने का, अरे 3 महीने ये कहां बोला गया कि लॉकडाउन के बाद में आपके पास में आने के बाद में आपको हाथ नहीं धोना है, ये थोड़ी उन्होंने बोला है, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो बेसिक चीजें है ना, ये कहां पे उनके आपने, मैंने तो उनका वो देखा है ना, उसमें ये कहां बोला है कि नहीं साहब आपको ये सब फॉलो नहीं करना है, ये सब चीजें तो आपको फॉलो करना ही है, ये तो बट नेचुरल है कि आपको ये फॉलो करना है। आप बोले 3 महीने हो गए और 3 महीने के बाद में जो लॉकडाउन हुआ और उसका क्या होगा, दवाई ले लेगा, ऐसा नहीं है। दवाई जो है वो दवाई अच्छी है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ रत्नाकर जी। जी मैं चाहूंगा कि अभी हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। अब ये जो हम इस प्लेटफॉर्म पर जब एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के वक्तव्य करता है तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर में जो हम दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि चलते चलते सभी लोग अपना अपना एक पक्ष रखें। ओझा जी से शुरुआत करते हैं, क्या भूमिका रही है? मेरी फिर से यही बात है, मैं अलोक मिश्रा जी की बात तो फिर से डिनाई करता हूँ कि मैंने दवाई की बात की है, इम्यूनिटी की दवाई की बात नहीं की। च्यवनप्राश मेरे ख्याल से और भी कोई कंपनियां बनाती रही है, बाबा जी ने कोई दवाई बना ली ऐसा नहीं है। बाबा जी ने काम अच्छा किया, एक ही काम अच्छा किया कि इस देश में योग लेके आए, पहले से योग था, लोगों को योग सिखाया, स्वदेशी का प्रचार किया, स्वदेशी का प्रचार तो किया ही, सवाल नहीं। लेकिन योग की जो बात करता हूँ, योग से लोगों का काफी अच्छा सुधारा और वो उनका ब्रांड बना। दवाई के मामले में आज भी मैं भी आलोक जी के साथ एक आध बार नेक्स्ट डिबेट में बहस करेंगे हम लोग, दवाई के मामले में अभी तक कोई ऐसी दवाई जिसके कारण इस देश के साथ वो दवाई का निर्मूलन सब सफाया हो गया हो, ऐसी कोई दवाई बाबा जी ने अभी तक निकाली नहीं है। प्रचार के माध्यम से वो बहुत एक्सपर्ट है प्रचार करने में, अपने आप का खुद ब्रांड है वो, अपने अपने प्रोडक्ट का खुद ही ब्रांडिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दवाई के जो नाम 3-4 गिनाए आलोक जी ने, वो तीनों चारों बहुत लोग बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मेरा ये कहना है, इसमें आखिर तो एक संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों को भाई साहब ने कहा कि हम एजुकेट करने के बाद तुरंत उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्री में 150 करोड़ की पॉपुलेशन की जनता को इस तरह से 3 महीने तक संभाल के रखने के बाद, अगर वर्ल्ड में कहीं दवाई नहीं निकली है और यहाँ के नॉर्म अगर फॉलो नहीं करना है और देशभक्ति की और देश स्वदेशी की बात अपन कर रहे हैं, तो अपन कहाँ किस रास्ते जा रहे हैं? इधर एक तरह स्वदेशी की बात करते हैं, दूसरे जो घटना के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है और जो पैंडेमिक के कारण जिस तरह से जो कानून गवर्नमेंट ने पास किया है कि इस कानून के तहत ये बीमारी का इलाज किया जाएगा, उसको तोड़कर हम क्या साबित करना चाहते हैं? या तो कोई ना कोई उनका ध्येय उसके पीछे में है जो कानून के रास्ते से पता करे सरकार। मेरे जगह मैंने अगर कंप्लेंट किया है, अगर इसका अगर आपको लगता है राजनीतिकरण है, तो मैं सवाल केंद्र सरकार से बोलना चाहता हूँ, आयुष डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ कि उनकी जवाबदारी थी पहले कि उस पर केस करते फिर बाद में कागज होगा, ये सरकार की जवाबदारी थी, मेरी जवाबदारी नहीं थी। जनता का आदमी रहने के कारण मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, एक राजनीतिक आदमी हूँ, तो मैं मेरी जवाबदारी समझी है मैंने कि कहीं ना कहीं देश गुमराह होने जा रहा है मैं समझता हूँ, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये सब कहीं मैं आपको जवाबदारी के साथ कहता हूँ कि ये केस कहीं ना कहीं उनको चेक लगाएगा, अगर मैंने कोई कंप्लेंट की है, इतनी सादी कंप्लेंट नहीं की है, मैं इस बात में तय तक जाऊंगा। मैं सजोतिया जी से मैं जवाबदारी के साथ कहता हूँ कि मैं इसके पीछे लगूंगा और इस चीज की जानकारी हासिल करूंगा और इसी पैनल पे आके इसी जगह हम चर्चा इस बात की फिर से करेंगे। जी आपका स्वागत रहेगा, मैं आऊंगा डॉक्टर लड्डा जी की तरफ। डॉक्टर लड्डा जी कुछ प्रकाश डालिए सर चलते चलते। जी एक बात जरूर बताना चाहूंगा, इन्होंने ये दवाई इंट्रोड्यूस करके कोई क्राइम नहीं किया है जी। इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, आप रिक्वेस्ट करो, आप सजेशन दो कि इसको इस ढंग से होना चाहिए। आप ये बिल्कुल नहीं कहो कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट थोड़ी किया है, उनका इंटेंशन अच्छा था, उनका प्रेजेंटेशन गलत हुआ, उनका जो तरीका थोड़ा गलत हुआ, उन्होंने बोलने में थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर जैसा सभी ने बताया, उसको डिस्करेज ना करो। अच्छा काम हो रहा है और शायद चल गया जैसा कि आलोक जी ने बताया, चल जाएगा और वर्ल्ड वाइड चल जाएगा, उसकी स्टडीज और भी होगी, तो उसको डिस्करेज ना करते सजेशंस दो, उसमें इंप्रूवमेंट के कुछ करने के चांसेस है उस तरह से बताओ, ना कि उसको कटघरे में खड़ा करके अरे तुमने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ऐसा बोलना मेरे हिसाब से गलत। ठीक है डॉक्टर अविनाश। आलोक जी की आत्मनिर्भरता और आयुर्वेदिक का जो उनका जो ये है विश्वास है और उसके पीछे जो लगन है, उसका सबसे पहले तो मेरे को मैं स्वागत करता हूँ जी। पर जहाँ तक कि मेडिसिन का बात है, जैसा कि आयुर्वेदिक तरक से शुरुआत हुई है, सुश्रुत से शुरुआत हुई है, उसमें रिसर्च हुआ नहीं, इतिहास रहा है सर भारतीय संस्कृति का, तो आयुर्वेदिक आज की नहीं, तो उसमें कुछ ये नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए आज देखेंगे कि आयुर्वेद और होम्योपैथी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ
होम्योपैथी जर्मन से या बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज से आया हुआ है और उसमें इमरजेंसी मेडिसिन के लिए कोई स्कोप नहीं था, इसलिए वो भी डेवलप नहीं हुआ। एलोपैथी लगातार इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ, कैटास्ट्रोफिक मेडिसिन की तरफ काम करती रही, रिजल्ट देती रही करके आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो छाए हुए हैं। जहाँ तक कि रामदेव जी का बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, देश के लिए भी काम किया है, आत्मनिर्भरता का भी काम किया है, अच्छे सारे ड्रग्स भी लाए, ब्रांड्स भी लाए, पर उनका भी इमरजेंसी मेडिसिन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए वो ब्रांड पे अपन ने 100% बिलीव करना सवाल उठता है। ये कोरोना एक बहुत लिथल कंडीशन है, हम 96% पेशेंट को भूल जाओ, 4% पेशेंट के लिए इस ड्रग का कोई खास रोल नहीं है। तो जहाँ तक कि उन्होंने जिस तरह से लॉन्चिंग किया है, लॉन्चिंग के पहले हमारे हिसाब से स्टडी उनका इनकम्प्लीट है, बहुत मल्टीसेंट्रिक स्टडी हो जाना चाहिए था, काफ़ी सारे पेशेंट्स ने उसका स्टडी आके रिजल्ट चेक करना था, उसके बाद उसको मार्केट में लाना था, क्योंकि आज के तारीख में इमरजेंसी मेडिसिन करके ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एडजोइंट थेरेपी करके काम करेगा। पर हम हिंदुस्तानी लोग बहुत भोले लोग हैं, बहुत ही अनएजुकेटेड लोग हैं, हम ये पूरी टेप में लेके घूमेंगे और बाकी सब चीजें छोड़ देंगे, इसका हमें डर है, इसलिए हम उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हम ना तो रामदेव बाबा जी पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ना तो दवाई के फॉर्मुलेशन पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ना तो उस दवा पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। बेसिकली स्टडी की परमिशन मिली थी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स करा के और पब्लिश किया गया कारगर दवा करके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट पे हमको ऑब्जेक्शन है। हम आयुर्वेद पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हम रामदेव जी पे भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हमको डर है हमारे देशवासियों का कि किस तरह से लापरवाही फैल सकती है और किस तरह से इसका मिसयूज हो सकता है, उसके बारे में हमको चिंता है, करके हम हमारा रोष प्रकट कर रहे हैं। हमको कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, वी ऑल्सो फॉलो आयुर्वेदिक, वी आर प्राउड ऑफ आयुर्वेद ऑल्सो, बट रिजल्ट इज कि उसमें इमरजेंसी मेडिसिन में कुछ काम नहीं हुआ है, रिसर्च नहीं हुआ है, गलत मैसेज जाता है लोगों तक, इसलिए मैसेज लोगों को गलत जाएगा, उसके बारे में हम कंसर्न है। उसका डिटेल स्टडी होना चाहिए, काफी सारा जैसा ऊर्जा जी ने बोला कि दवा बना के काफी सारे सेंटर्स पे उन्होंने दे देना चाहिए था स्टडी के लिए, आयुष से परमिशन ले लिया था आयुष मंत्रालय से कि एडजोइंट थेरेपी करके यूज करके देखिएगा और 2 महीने बाद कोई जल्दी नहीं, हम आप ही रिजल्ट दीजिएगा हमको, क्या इन्फॉर्मेशन दीजिएगा वेदर द ड्रग हैज वर्क और नॉट। ये सिंगल सेंट्रल स्टडी हुआ है, सिंगल सेंटर स्टडी, पायलट स्टडी को कोई वैल्यू नहीं। आलोक जी आपको ही बोलना है इसके बाद, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ये मैं मेरे को कहना चाहता हूँ। मैं ना मेरा पर्सनल ऑब्जेक्शन है दवा पे ना रामदेव जी पे, मेरा ऑब्जेक्शन है कि स्टडी इज इनकम्प्लीट, ये ड्रग कोई नए नहीं है, फॉर्मुलेशन आपको मालूम है, एक जगह संगठित किए हुए टैबलेट फॉर्म में आ गए है और लोगों के लिए इस समय आ गए जिस समय लोग कुछ अपेक्षा से खड़े है और वो अपेक्षा इससे 100% पूरी होगी इसके बारे में शंका है। जी ठीक है डॉक्टर आलोक जी। मैं विलास लड्डा जी ने जो कहा कि ये तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई क्राइम हो गया, दवाई बनाई और एकदम आपने ऐसा क्या कर दिया बिल्कुल कि आप बिल्कुल लेने बिल्कुल विलन बन गए आप, तो ये जो भावना थी ये भावना हमको दूर करना है। शब्दों का हेरफेर होता है ना, कई पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता कुछ भी बोल जाते हैं तो उसको हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको ये सोचना है इसके बाद क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अविनाश जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो लेना ही है, हम बात उस पर कर रहे हैं, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि प्रिकॉशंस आपने बंद कर देना है। प्रेजेंटेशन सबसे पहले मैंने जो डिबेट में स्टार्ट किया मैंने यही बोला कि भाई वो जो उन्होंने बोला वो गलत है, मैंने कहीं पे ये बात नहीं बोली कि नहीं साहब उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोल दिया, लेकिन जो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो प्रयास है उसको आप उसको अप्रिशिएट करिए, प्रयास को अप्रिशिएट करिए और जो किया है उनको अभी क्लेरिफिकेशन, प्रयास का तरीका अगर सही नहीं है तो उसको कैसे अप्रिशिएट, वो तो अपने कमर्शियल हितों को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी की, ऐसा है ना, वो तो जब अच्छे ढंग से अच्छे अगर ये दवाई अगर किसी सेंटर में देते हैं गवर्नमेंट के और वहां से टेस्टिंग आती तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा तो इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एवरीबॉडी। कुछ सैंपल सर फ्री में अपना कोरोना मरीजों को फ्री में गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो तो हमारा डिबेट का रिकॉर्डिंग जब हम उनको भेजेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया जरूर उस पे आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे पास में सर समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है, चलते चलते चंदू जी आपको बात रखनी बहुत कम शब्दों में। रामदेव जी का हमने जो रूप जहां से स्टार्ट किया शायद 1998-2000 के आसपास योग के शिविर लेते थे जी, योग के शिविर लेते थे, पैड लेते थे, लोग वहां जाते थे और हमने योग के शिविर में उनको देखा, आप खड़े हुए
मेरी शुगर 400 थी, मेरी 100 हो गई, मेरा पैर का दर्द था मेरा कम हो गया। और योग करते करते उन्होंने हर बार जो योग अपने यहाँ कई सालों से कई सदियों से चलते आ रहा उसमें भी उन्होंने बार बार अपने योगों में चेंज किया है। बस्ती का पहले जोर से लेने, बाद में धीरे से लेने पड़ा, हर चीज में उन्होंने धीरे 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 वो भी किस अनुभव के आधार पर, यानी रिसर्च किया उन्होंने, लिखा हुआ तो था लेकिन रिसर्च समझ के कि लोगों को किससे तकलीफ होती किससे नहीं होती, ये सोच के हर बार पूरा उन्होंने योग, मैंने 5 से 10 साल तक देखा कि उन्होंने हर चीज का प्रयोग चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर रामदेव बाबा, यानी ऐसा हो गया कि रामदेव बाबा ने जो बोले, रामदेव बाबा नीचे भगवान हो गए। अभी बात प्रेजेंटेशन की आलोक जी नहीं है, बात प्रेजेंटेशन के, रामदेव बाबा ने जो बात बोली उनके अंधभक्त भी बोल सकता हूँ, अंधे फॉलोअर है, उन्होंने जो कहा वो मान लेते हैं, उन्होंने मान लिया, हम सारी चीजें भूल जाएंगे। कहीं उन्होंने नहीं ये प्रेजेंटेशन नहीं बोला कि आपको सरकार द्वारा नियम का पालन करके ये दवाई वापरनी है, उन्होंने कहा कोरोना का इलाज है, यानी आप बाकी चीजें छोड़ दो, मतलब यही निकलता है, आप अलग मतलब निकाल लेंगे उसकी बात अलग है, उनका प्रेजेंटेशन ही सारी चीज, दवाई को उनका मार्केटिंग का ढंग है, उन्होंने योगा से भी मार्केटिंग, योगा से चालू किया, आज बड़ी इंडस्ट्री कर ली है, और जितने भी उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाले वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी है, कोई रिसर्च वाली चीज उनके पास में कि इससे रिसर्च से ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये भी 4 का योग ऑलरेडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा, आप पढ़े उसमें पूरा आयुर्वेद पढ़ा है, इसमें कोई चीज नई नहीं है और ना योग नया है, योग भी पुराना ही है कि किसके साथ लेके किस दवा का इफेक्ट होता है। तो रामदेव बाबा का एक शब्द बोला हुआ निश्चित रूप से जनता के लिए भारी पड़ सकता है। तो रामदेव बाबा जैसा व्यक्ति जब बोलता है ये कोरोना की दवाई नहीं, तो मैं भी, मेरे शरीर का भी आदमी नहीं मानता, लेकिन एक बार सोचता लेके तो देख लूं, घूमेंगे क्योंकि हमको घूमना होता है, ठीक है हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिकॉशंस लेके ये बोलता कि इससे दवाई आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, ये चीज बोलते हैं वहां पे, साथ में रहते ना, कहीं उनको कोरोना की दवाई की परमिशन मिली नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने की पड़ी, कोरोना के नाम पे उन्होंने मार्केटिंग के, लोग हर व्यक्ति जेब में लेके दवाई घूमेगा, ये निश्चित रूप से आप जो बोल रहे लाइन लगने वाली, बिल्कुल लगने वाली, क्योंकि लोगों में अभी भी उतनी समझदारी हमारे यहाँ पे नहीं है, अभी भी लोग हमारे यहाँ के अनपढ़ी है, एक व्यक्ति हीरो जिसको मानते हैं वो वहां से बोल देता है, हम देखते हैं ना हीरो 10-10 लोगों से लड़ता, तो भी हम हीरो के साथ में रहता, 10 लोगों से लड़ सकता है क्या? तो वही बात रामदेव बाबा लोगों के आइकॉन बने हुए, लोगों के लिए भगवान बने हुए, उन्होंने बात बोलते समय बहुत संयम और बहुत सही बात बोलनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास उनसे नहीं टूटे, ये बात विश्वास तोड़ने वाली। जी धन्यवाद, मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करूंगा, चर्चा का विषय था पतंजलि और डॉक्टर रामदेव बाबा जी ने जो दवाई बनाई है क्या उसका दावा सच या झूठ, चर्चा आप लोगों ने सुनी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा के पश्चात क्या स्वदेशी का प्रचार, मैं एडिशन कर सकता हूं थोड़ा सा, जहां बोल दीजिए जो दवा जैसी है मार्केट में आ जाएगी जी, पतंजलि के शॉप के बाजू में उनके पतंजलि क्लिनिक है, वहाँ कुछ डॉक्टर्स अपॉइंट किए रहते, उनको टारगेट दिया जाता की इतना सेल होना ही जरूरी है जी, ये डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करना चालू कर देते जी, तो हर जगह डॉक्टर साहब, ये तो एलोपैथिक में हर जगह है, ये तो एमआर लोग आते हैं। आप मेरी बात आलोक जी थोड़ा सुन लीजिएगा, अब जहाँ जहाँ आपको बोल रहा हूँ डायबिटीज के लोग मुट्ठी मुट्ठी पर दवा खाते हैं पतंजलि के, और हमारे 600 शुगर करके एडमिट होते हैं, वो दवाई की कॉस्ट करेंगे तो 10,000 रुपए होती है महीने की, और एलोपैथिक दवा की 1,000 रुपए होती है, और इमरजेंसी में उनको एलोपैथिक दवा खाना जाना पड़ता है, ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो ये पतंजलि के जो टारगेट्स दिए रहते हैं इनको, फिर वो वहाँ के डॉक्टर्स उसको लिखते जाएंगे, बुखार आया फ्लू के लिए भी, टाइफाइड रहा उसके लिए भी, मलेरिया उसके लिए भी, क्योंकि फिर एक पिक्चर सीनियरों क्रिएट किया जाएगा कि ये बहुत कारगर दवा है और इसका सेल बढ़ते जाएगा, और इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन और सेल्फ मेडिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन दोनों का बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा सा अभी इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर करके ही रखना चाहिए, रादर देन कोरोनिल एज किलिंग कोरोना, ये जो उन्होंने मैसेज दिया वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि हमने इनके देखे हैं, डायबिटीज के ड्रग हमने देखे हैं, ब्लड प्रेशर के ड्रग्स हमने इनके देखे हैं, उनकी कॉस्ट हमको मालूम है, इनके फॉलोअर्स हमको मालूम है, और मरने वालों की संख्या भी हमको मालूम है, क्योंकि हम डे टू डे हमारे क्लिनिक में इसको फेस करते हैं, इसलिए ये इतना छोटा सा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ही शांति से लेना चाहिए, और इतना इजीली इस दवा को परमिशन मिलना चाहिए, एज अ कोरोनिल कोरोना किलिंग टैबलेट नहीं होना चाहिए, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके ही इसको प्रमोट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बहुत बेहतर मुद्दा आपने यहाँ पर रखा है, मैं दर्शक फिर मैं इस बात को दर्शकों तक लेके जाऊंगा कि एक जिम्मेदारी आपके पास में आती है जब आप ब्रांड बन जाते हो, इसके साथ में ही आप जब लोगों तक भ्रामक
बातें जब जाती है तो उसका परिणाम लोगों के मन के ऊपर में कुछ अलग हो जाता है। अब जो हुआ है वो गुनाह है या नहीं ये मैं छोड़ देता हूं, ये हम लोग छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर, जनता की सत्सत विवेक बुद्धि के ऊपर में। ऐसी परिचर्चा के साथ में फिर से आपके साथ में हाजिर हूं। मैं सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। नमस्कार।